तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। इम्यूटेबल मीन्स क्या हुआ कि हम स्ट्रिंग की जो ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब इसको जावा में इम्यूटेबल क्यों बनाया गया इसके बारे में ईच एंड एवरी थिंग जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डाटा इज इम्यूटेबल बिकॉज ऑफ एससीपी रीजन। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एससीपी है इसके कारण से जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसे इम्यूटेबल बनाया गया। क्यों एससीपी की रीजन से इसे इम्यूटेबल बनाया गया इसके बारे में आप समझते हैं। इन एससीपी रीजन देयर कैन बी मल्टीपल रेफरेंस पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है उसके रीजन जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस जो वेरिएबल है पॉइंट करता है। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है और रेफरेंस करता है सब। ओके, क्योंकि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है इसमें हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते ओवर यूनिक डाट को, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो उसको ऑब्जेक्ट करता है। अब इसको रेफरेंस जब करता है तो इससे क्या होता है तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यूजिंग वन ऑफ द रेफरेंस इफ वी मेक ए चेंजेस, अगर कोई एक रेफरेंस है अगर उसकी हेल्प से हम कोई चेंजेस करते हैं, समझिए एक पॉइंट है, ओके, उस पॉइंट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल। अब एक भी वेरिएबल की रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से अगर हम चेंज करते हैं तो चेंजेस क्या होगा सभी के लिए रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ओके, If the changes got reflected in the same memory, then there is every possibility that the other reference also would be affected. To avoid this, string are made as immutable. अब इसका मीनिंग क्या है इसके समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए हमने यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सबसे पहले आपको एक इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, समझिए यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग लिया str इक्वल टू श्याम एंड स्ट्रिंग str2 इक्वल टू श्याम। ओके, अब यहाँ पर हम जानेंगे जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कहाँ पे क्रिएट होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कहाँ होता है हीप एरिया के अंदर, ये पूरा जो मेमोरी है ये हीप एरिया और इसके अंदर एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की खासियत ये होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, सिंगल यूनिक ऑब्जेक्ट रखता है। ओके, तो यहाँ पहले के लिए क्या क्रिएट हुआ श्याम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ श्याम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है इसको पॉइंट कर रहा है str। ओके, अगेन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया str2 इक्वल टू श्याम, अगेन यहाँ पर आएगा ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में आएगा और चेक करेगा ऑलरेडी इस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है तो क्या करेगा str2 भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा। इस तरह समझिए मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि श्याम नाम से क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जितनी भी रेफरेंस वेरिएबल होते हैं ये सभी रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट करते इसी को श्याम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते। अब सपोज करिए मैं यहाँ में जितने भी रेफरेंस वेरिएबल इसकी किसी एक की हेल्प से अगर मैं चेंज कर दूँ इसको, अगर ये चेंज हुआ है तो इस जितने भी इसको पॉइंट कर रहा होगा वो सब क्या हो जाएगा चेंजेस हो जाएगा, राइट, तो सब के लिए चेंजेस हो गया। इसीलिए स्ट्रिंग को जावा में एज ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया गया है कि किसी क्योंकि इसके यहाँ पर चांसेस है कि एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहा हो तो इस चीज़ को ना हो इसीलिए और चेंजेस ना रिफ्लेक्टेड सेम मेमोरी में, अगर यहाँ कोई चेंजेस करेगा तो इस ऑब्जेक्ट में चेंजेस ना होकर एक सेपरेट मेमोरी के पार्ट में वो चेंजेस रिफ्लेक्टेड होगा, इसीलिए जावा में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया गया है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आपको ये तीनों जो पॉइंट है ये आपको सेंस आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लाइन में कहा गया है कि यूजिंग वन ऑफ रेफरेंस इफ वी मेक ए चेंजेस इफ द चेंजेस गॉट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मेमोरी देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी डेट द ऑर्डर डेट द अदर रेफरेंस आल्सो वुड बी इफेक्टेड टू अवॉइड दिस स्ट्रिंग आर मेड एज इम्यूटेबल होगा। आई होप जो आपको मैंने फिगर बताया था और इस लाइन का जो सेंस निकल रहा है वो आपको दिमाग में श्रिंक कर रहा होगा। ओके, अभी जानते हैं कितने कितने जावा में कितने सारे ऑब्जेक्ट है क्लासेस है जो कि एज ए इम्यूटेबल बनाए गए हैं। ओके, तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन जावा आर स्ट्रिंग एंड रेपर, ऑल रेपर क्लासेस आर
इम्यूटेबल क्लासेस लाइक इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल ऑल दीज आर क्लासेस आर इम्यूटेबल इन जावा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि व्हाई स्ट्रिंग आर मेड इन जावा एज ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ये जो है इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से एक है। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी समझ आया होगा।